राइट बाइक तो मेरे पीछे खड़ी है MT-15 और जिस थंबनेल को देखकर आप आए हो कि बाइक के लिए ऐसा हैजर्ड फ्लेजर चाहिए जो बाइक की वारंटी पर इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब कि बाइक की वारंटी जो है हैजर्ड फ्लेजर इंस्टॉल करने के बाद ख़त्म नहीं होगी, तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हैजर्ड फ्लेजर है उसको बाइक में सेट करने से, इंस्टॉल करने से आपकी बाइक की कहीं भी वायरिंग कटिंग नहीं होगी। बाइक जो है कपलर टू कपलर फिटिंग, जो पिन से आती है ना हुक टाइप में प्लास्टिक के जो कपलर्स रहते हैं, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट फिटिंग रहेगी बाइक और हैजर्ड फ्लेशर में, तो किसी प्रकार से आपकी वारंटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात मैं अभी से बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले उस डिवाइस का नाम बता देता हूँ क्या है। उसका नाम जो मैंने इंस्टॉल किया उसका नाम है फ्लैश एक्स हैजर्ड फ्लेशर, ठीक है। तो सभी बाइकों के ना ऑलमोस्ट सेम से भी रहते हैं, अलग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पल्सर में लग जाएगा और पल्सर वाला इसमें लग जाएगा, तो वो शॉप वाले ही बता सकते हैं कौन सी बाइक में लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपको डिवाइस की कीमत बता देता हूँ, जितने मैंने लगभग 1400 से 1500 के बीच का मुझे वो पड़ा है। और आप दुकान पे जाओगे तो भाई वो प्लस माइनस 50-100 रुपये हो सकता है, तो मेरी बोली हुई कीमत पर आप बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है, दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने में देगा आपको। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, डिवाइस जो है सीट के नीचे इंस्टॉल होगा, सीट के नीचे, ठीक है। सीट मैंने पहले से खोली हुई है, सीट मैंने पहले से खोली हुई है और मैं डिवाइस दिखा देता हूँ आपको। तो ये है वो डिवाइस, इसको मैं अच्छे से बाहर निकाल लेता हूँ। इसको थोड़ी धूल जमी हुई है क्योंकि मैं इसको लगभग एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एक महीने का एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहा है इसका। तो देख सकते हो आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है फ्लैश एक्स बाय AD, ठीक है। तो ये फ्लैश एक्स हैजर्ड है, ये कपलर है, ठीक है, ये कपलर है। ये वायरिंग जो है, ये वायरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये इसी के साथ आई। और इसकी फिटिंग बता देता हूँ मैं कहाँ होगी फिटिंग, जो है अपने ये रबड़ लगी हुई ना, रबड़, ठीक है। वैसे ये फिटिंग मैंने नहीं की है, ये मिस्त्री ने की है, ये रबड़ रही है और बाकी ये कपलर लगे हुए हैं। तो इसमें जो है, या तो आपको वीडियो YouTube पे मिल जाएगी और अच्छा रहेगा यार, मिस्त्री को 50 रुपये 10-20 रुपये दे के आप वहाँ से फिटिंग करा सकते हो, तो बढ़िया है। क्योंकि आप जब हम मिस्त्री नहीं है तो हमें आता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हैजर्ड फ्लेशर है, मैं एक बार चाबी ऑन कर देता हूँ, चाबी, ठीक है। इसमें लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। तो गाइस ये फिलहाल एक्टिवेट हो चुका है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट है। इसकी खासियत ये है कि इसमें ना किसी भी प्रकार की कोई आगे वायर नहीं जा रही है, मतलब हैंडल के आसपास आप देख सकते हो कहीं भी कोई भी वायर नहीं है, ठीक है। इसके जो डायरेक्ट इसी में ही फिटिंग है, इंडिकेटर के बटन में फिटिंग है। तो मैं इसको अंदर वापस कर देता हूँ और इसके जो वायर्स हैं ये इसको कैप को भी सही कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ ये एक्टिवेट कैसे होता है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक्टिवेट है, तो मैं अभी बाइक की क्यों चालू कर लेता हूँ। की चालू करने के बाद देखना ये दोनों ब्लिंक करेंगे। ओहो, चाबी नहीं ऑन हो रही, ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल ये दो बार दोनों इंडिकेटर जो है ब्लिंक करेंगे, इसके साथ ही पीछे वाला भी इंडिकेटर जो ब्लिंक करेगा। इंडिकेटर के साथ साथ जो मेरी टेल लाइट है, ये टेल लाइट, ये भी ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब होता है कि एक्टिवेट हो जाता है। दोबारा से करके दिखाता हूँ, तो ये भी लाइट एक्टिव जो है ब्लिंक करेगी, टेल लाइट, देखिए। तो फिलहाल टेल लाइट भी ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक्टिवेट हो गया है। तो अभी इसको चालू कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो जो ये इंडिकेटर है ना, इसमें इसकी डायरेक्ट फिटिंग है, फिटिंग मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन जो यहाँ था, ठीक है, इसी के अंदर सब कुछ है, यहाँ पे कनेक्शन है, ये हैजर्ड फ्लेशर है। तो हमने कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर नहीं अटैच करी है, या फिर कोई भी वायर कहीं पर नहीं है, ये डायरेक्ट फिटिंग है। तो मैं बता देता हूँ कैसे चालू होगा। नॉर्मली आपको चाबी ऑन कर लेनी है, उसके बाद ये जो ये है लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड सेंटर, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर, एक बार और बता देता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर। तो मैं ऐसे प्रेस करना है, मेरी अभी स्पीड स्लो थी तो ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी स्पीड ना ज़्यादा मैक्सिमम करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं अभी अच्छी स्पीड से करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। साथ के साथ साथ इंडिकेटर पर भी आप ध्यान रखना, वो भी ब्लिंक करने लगेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है। तो मैंने काफ़ी स्पीड से किया है और देखें ये जो है एक्टिवेट हो चुका है,
ठीक है, ये दूर से आप देख सकते हो इंडिकेटर जो है फिलहाल एक्टिवेट हो चुके हैं। ये मेरा बाय डिफॉल्ट पैटर्न था, मैंने लास्ट टाइम जिसमें बंद किया था, लास्ट टाइम जिसमें आप बंद करोगे वही चलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आगे से लू क्या ऐसी आ रही है, इसी के साथ में देखिए ये भी ब्लिंक कर रहे हैं, और पीछे से लुक कुछ ऐसी आ रही है। फिलहाल ये एक पैटर्न था, मैं दूसरा पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। दूसरा पैटर्न चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ना टोटल 60 पैटर्न आते हैं। अगर आपको आगे जाना है तो राइट करके सेंटर एक पैटर्न आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक हो रहा है। अभी हमें बाई चांस मेरे को पीछे वाला चाहिए था, तो लेफ्ट सेंटर। अभी जो ये लास्ट टाइम जो था इसमें ये वाला आ चुका है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही अगर आपको आगे जाना है तो आप आगे जा सकते हैं, पीछे बाई चांस आपको पीछे वाला दो पसंद था तो वो चाहिए तो आप वापस पीछे जा सकते हैं। अब बारी आती है इसको बंद कैसे करें, ठीक है। अभी मेरा बाई डिफ़ॉल्ट ये है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल करके। अभी फ़िलहाल मेरा सेकंड वाला मैंने ये लगाया है, थर्ड वाला मैं चेंज करता हूँ, थर्ड ये मेरा है, ये वाला थर्ड है, ठीक है। तो गाइज मेरे को ये ही रखना है बाई डिफ़ॉल्ट, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को वहीं पर इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, हैजार्ड फ्लेशर का जो है वहीं पर इसको सेट करना पड़ेगा, मतलब कि वहीं पर इसको मेरे को ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा उसी प्रोसेस से जिस तरीके से हमने ओपन किया था इसको चालू किया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड सेंटर, ठीक है। ऐसा करने से बंद हो गया है, फिलहाल बिलिंग करना बंद हो गया है। तो मैंने बता दिया आपको, चालू भी उसी तरीके से होगा, बंद भी उसी तरीके से होगा। अब जो अभी मैंने इसको की से बंद किया था, अगर मैं चाबी से बंद करता तो वो पैटर्न नहीं रहता सेम, ठीक है। अभी मैंने इससे बंद किया था, तो लास्ट टाइम जिसमें आप बंद करोगे इससे, तो उसी से ही आप बाद में चालू करोगे तो वही पुराने वाला जहाँ पे आपने बंद किया वो चालू होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है। ये मैंने इस पे बंद किया था और इस पे ये दोबारा से चालू हो गया है। अगर मैं चाबी से बंद करता हूँ अभी, तो फिलहाल मैंने गलती कर दी है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसको मैं चालू कर लेता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाबी से इसके बाद में एक बार एक पैटर्न चेंज और कर देता हूँ, राइट और सेंटर, ये थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ गई है, और मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ चाबी से। अब अगर मैं चाबी से बंद करूँगा तो ये बाद में चालू करने पर ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ये इस वाले में दोबारा से चालू नहीं होगा, दिखा देता हूँ मैं। चाबी मैं डायरेक्ट ऑफ़ कर रहा हूँ, चाबी मैंने ऑफ़ कर दिया, अब ऑन कर रहा हूँ। अभी हैजार्ड फ्लैशर एक्टिवेट हो रहा है, अभी मैं इसको चालू करता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर। सो गाइज मैंने चाबी से डायरेक्ट बंद किया था इसलिए वो वाला चालू नहीं हुआ है, जो मैंने की के द्वारा बंद किया था, की से जो लास्ट टाइम पैटर्न था वो बंद किया था, तो वो एक्टिवेट होगा। सो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से यूज़ करना है, और वीडियो यहाँ तक थी। सो गाइज इसके रिलेटेड, फ्लैशएक्स हैजार्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम है sdm_rox, उस पर आप मेरे को मैसेज कर देना, टैग कर देना, कुछ भी कर देना, और मेरे पास मैसेज पहुंचा देना, चाहे कमेंट से करो या फिर इंस्टाग्राम से करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाई चांस इसकी कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई स्विच वगैरह नहीं है, डायरेक्ट फिटिंग है, बाइक की वारंटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ता तो मैं खुद नहीं बाइक में यूज़ करता ये सब चीज़ें। तो गाइस थैंक यू। तो बॉयज इसी के साथ साथ मैं नाइट के कुछ क्लिप डाल देता हूँ, नाइट में इसके पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है, तो मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ, पहले वो देख लेना और नाइट का पता लग जाएगा आपको क्या है। तो इसकी थोड़ी ब्राइटनेस ना आपको ज़्यादा मिलेगी, इंडिकेटर्स की जो है ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है 360 डिग्री बल्ब सिमटेक के इंस्टॉल किए हुए हैं। ये लगभग चार बल्ब है, चारों मैंने इंस्टॉल किया, तो इनकी ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और बाकी नाइट की क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो में, नाइट की क्लिप एंजॉय कीजिए, थैंक यू। ऑल राइट बॉयज, तो मैं अभी आ चुका हूँ अंधेरे में, ये अपने इंडिकेटर के जो बल्ब हमने चेंज कराए थे सिमटेक के, और साथ में जो फ्लैशएक्स का हैजार्ड लगाया था हमने, जिसमें 60 पैटर्न्स है, 60 पैटर्न मतलब 7 पैटर्न अलग अलग तरीके से डिफरेंट लाइट चलेगी। तो फिलहाल उसकी टेस्टिंग के लिए हम आए, तो मीटर कंसोल कर लिया ऑन, और जैसा कि बताया था कि लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड सेंटर करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा फ्लैशर ना, तो मैं वही करता हूँ। अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा,
फिर भी ट्राई करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड सेंटर। तो अभी ये चालू हो चुका है, तो चालू होने के बाद तो कुछ ऐसी इंडिकेटर ये जल रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जलेगा भाई। सामने से देख लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ये लाइट जलती है, और इतनी मतलब इतनी ब्राइट है ये बल्ब सिमटेक के जो हमने लगाए थे, इतने ब्राइट बल्ब है ये। और मतलब इसकी रोशनी ना देखो भाई, पूरे में आ रही है, पूरे में। अब साथ में दूसरा पैटर्न चेंज करके देख लेते हैं। ये तो था फर्स्ट पैटर्न जो बाय डिफ़ॉल्ट जलता है। सेकेंड पैटर्न अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो लेफ्ट में भी लेफ्ट एंड लेफ्ट प्रेस करके सेंटर करूँगा तो भी चेंज हो जाएगा, और राइट करके करूँगा राइट करके लेफ्ट देन तो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आगे पीछे होने के लिए, चाहे आप राइट में कर लो लेफ्ट में, 60 पैटर्न सब तक आप जा सकते हो। तो मैं राइट करके सेंटर कर दिया, एक पैटर्न ऐसे चल रहा है, ठीक है। पीछे की लाइट भी दिखा देता हूँ मैं, पीछे कुछ ऐसे दिख रहा है। ये था फर्स्ट पैटर्न, एंड सेकंड मैं सेकंड करता हूँ, कुछ सेकंड इस तरीके का है गाइस। थर्ड पैटर्न, थर्ड में दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक करेगी, मतलब एक दो सेकंड के गैप से दोनों लाइट ब्लिंक करेगी साथ में। फोर्थ, फोर्थ में भी दोनों कर दिए, पर इसमें स्पीड ना काफ़ी बढ़ रही है स्पीड। फिफ्थ करता हूँ मैं, फिफ्थ में ये देखो उसी की तरह ये दोबारा से ऐसे आ गया है, और सामने से देखना बड़ी बड़ी ही फैंटास्टिक लुक, और बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से ब्राइटनेस दूर तक जा रही है। मतलब ना 360 बल्ब है ना ये, तो चारों तरफ से लाइट होती है इसमें। नेक्स्ट पैटर्न करते हैं, तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके का है। इससे अगला और पैटर्न देख लेते हैं हम, फिर ये ऐसा है। ये अभी ना फिलहाल मैं राइट कर रहा हूँ, देखो अभी इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, साथ में ब्लिंक कर रहा है, एंड कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है, इसमें एक दो सेकंड का गैप लिया जा रहा है। अभी मैं फिलहाल राइट करके सेंटर कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट करके सेंटर करूँगा तो पीछे वाला जो था वो एक्टिवेट हो जाएगा, पीछे वाला, पीछे जाने के लिए, ठीक है। ये अगला पैटर्न, तो कुल मिला के इस तरीके के 60 पैटर्न है। देखो अभी ये इसमें स्पीड बढ़ गया, और मैं ऑल ओवर चारों तरफ से 360 दिखा देता हूँ बाइक का। बाइक का कुछ 360 इस तरीके से आ गए इसके दोनों आँखें, जो कि बड़ी ही बिंदास लग रही है। और साथ में ये भाई इंडिकेटर ना इतनी अच्छे तरीके से रोशनी दे रहे हैं, देखो टायर के यहाँ पे आप देख सकते हो, टायर के यहाँ पे इतनी ब्राइटनेस आ रही है, और मतलब काफ़ी लंबे दूर से ना किसी को भी दिख जाएगा यहाँ पे आगे कुछ जा रहा है। सो भाई अगला कर लेता हूँ मैं, अगला कुछ इस तरीके का है। सो इसी के साथ को भाई वीडियो को करते हैं एंड। ये फ्लैश एक्स का हैजार्ड था, और सिमटेक के बल्ब थे 360 बल्ब, और बाहर से कुछ चेंज नहीं कराया, सिर्फ बल्ब कराया, जो कंपनी से आए थे इंडिकेटर वो मैंने चेंज कर दिए और सिमटेक के लगा दिए। और फ्लैश एक्स का हैजार्ड है जो कि सिमटेक से बढ़िया है, सिमटेक में ना 20 पैटर्न आते हैं और इसमें 60 आते हैं, तो भाई मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा, क्योंकि इसमें अलग से वायर भी नहीं अटैच होता है। सिमटेक का एक वायर जो है आपका सिमटेक के हैजार्ड फ्लैशर से निकल के हैंडल के आसपास कहीं लगता है वायर, जो एक्टिवेट करने के लिए बाय चांस पुलिस ने कहीं आपकी बाइक पकड़ी और वो देखे कि भाई ये बटन किस चीज़ का, तो उसको छेड़ेगी भी जरूर, क्योंकि भाई करोलबाग साइड में या फिर और कहीं जाओगे ना जहाँ पर ज़्यादा चेकिंग होती है, तो वहाँ पर पुलिस वाले चेकिंग जरूर करते हैं, फिर चलान भी कर सकते हैं। तो इसमें ना इंडिकेटर में सब कुछ सिस्टम है, कोई वायर कटिंग नहीं हुई है, सीट के नीचे जो कपलर है कपलर में फिटिंग है, तो पीछे से ना कुछ इस तरीके का आ रहा है, पीछे का उस तरीके का आ रहा है। और मैं ऊपर से देखो, ऊपर से कैसा ये ग्रिल में से शो कर रही है लाइट, तो बड़ी बिंदास लग रही है। तो गाइज अभी के लिए मैं कर रहा हूँ वीडियो को एंड, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। Yeah.